हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, जिसका नाम है HNL ब्लॉग। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको दिखाने आई हूँ कि आप घर में कैरेटिन कैसे कर सकते हैं। मैंने भी देखिए जैसे कि कैरेटिन किया है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल कर्ली, ठीक है। लेकिन मैंने अपने हेयर की केयर करना स्टार्ट किया, बहुत से मैंने वीडियोस बनाई हुई है हेयर केयर के बारे में, और अब मैं आपको दिखाऊंगी घर में आप कैसे कैरेटिन कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें मैंने आपको दिखाया है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा फ्रेंड्स, कि इसमें आपने लेना है फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए। मैं तो फ्लैक्स सीड्स को इंटेक भी करती हूँ, खाती भी हूँ। तो मैंने उसको क्या किया हुआ है कि उसका मैंने पाउडर टाइप बना के रखा हुआ है, वो मैंने ले लिया। पहले तो मैंने एक चम्मच लिया फ्लैक्सीड, और उसके बाद मैंने एक चम्मच ले लिया फ्लैक्सीड का पाउडर, ठीक है। नॉर्मल घर में मिक्सी में आप पीस सकते हो उसे। उसके बाद मैंने लिया है हाफ कप ऑफ राइस चावल। जी हाँ, चावल आपके बालों के लिए प्रोटीन का काम कितना अच्छा करते हैं उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी। फ्लैक्स सीड्स जो है वो आपके बालों के लिए कितनी अच्छी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने फ्लैक्स सीड ले लिया है, दो चम्मच के करीब आप फ्लैक्स सीड ले लें, और आप एक बड़ा गिलास भर के इसमें पानी डाल दीजिए। और हमेशा फ्लैक्स सीड जेल जब भी आप बनाएं तो उसे फुल फ्लेम पे ही बनाएं फ्रेंड, तभी वो बन पाएगा। और फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड, इसे हम हिंदी में अलसी बोलते हैं। विटामिन ई और बी से भरपूर होता है, ये बालों को लंबा करता है, घना करता है बालों को, और बहुत तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है ये फ्लैक्स सीड। और हमारे बालों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमारे बालों को झड़ने में रोकने में मदद करती है उसे भी देता है ये। और जो डर्माइड जो स्कैल्प होती है वो ड्राई हो जाती है, तो उसकी समस्या को भी दूर करता है फ्रेंड्स ये। और उसके बाद मैंने जो चावल लिए हैं, देखिए चावल भी मैंने अच्छी तरह पका लिए हैं, और चावल भी आप लेने के बाद पकाने के बाद फ्लैक्सीड जेल जो आपने बनाया उसमें मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। मैंने मिक्सी में उसे अच्छी तरह पीस भी लिया है। चावल हमारे बालों के लिए फ्रेंड्स इतने चावल के बेनिफिट्स मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो रूखे बाल खराब बाल होते हैं उन्हें ठीक करने का काम करता है। अमीनो एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स इसमें, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में, घना करने में, मुलायम चमकदार बनाने में बहुत हेल्प करता है फ्रेंड्स। और अगर आप हफ्ते में दो बार चावल के पानी से अगर आप बाल धोते हैं फ्रेंड्स, तो चावल के पानी से बाल धोने के बाद, तो फ्रेंड्स इसे लगाने से पहले मैंने हॉट वाटर ले लिया था स्प्रे बॉटल में, और उसे पहले मैंने अपने बालों पर लगाया। आज मैंने सुबह ही वॉश कर रखे हैं हेयर, तो आपको इसे साफ सुथरे बालों पे लगाना है। गरम पानी मैंने लिया है फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि हमारे हेयर के क्यूटिकल्स जो होते हैं वो खुल जाएंगे, तो उसके बाद ये जो है बहुत अच्छे से वर्क करेगा पेस्ट। तो मैंने इस तरीके से बालों में पहले हॉट वाटर का स्प्रे किया है, उसके बाद मैं सेक्शन बाय सेक्शन इसे लगा रही हूँ अपने पूरे लेंथ पे, और स्कैल्प में मैं इसे लगाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, शाइनी हो जाएंगे आपके बाल एकदम, और ये देखिए कितना प्यारा इसका रिजल्ट आया है फ्रेंड। तो होम मेड कैरेटिन आप इस तरीके से करिए। तो देखा दोस्तों आपने कि आप कैसे घर पे कैरेटिन कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पूरा बताया है उसी तरीके से फॉलो कीजिए। और मैंने देखिए कैरेटिन करने के बाद मैंने अपने हेयर को किसी भी शैम्पू से वॉश नहीं किया है फ्रेंड, शैम्पू से हमें वॉश नहीं करना है। कोई भी आप एप्लीकेशन करते हैं उसे प्लेन वाटर से ही धोने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एक दिन उससे टाइम दीजिए, उसके बाद जो है आप शैम्पू का कंडीशनर का यूज़ कीजिए। क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ का एप्लीकेशन करते हैं तो उसे हम टाइम तो देते नहीं हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमने तुरंत लगाया उसका इफेक्ट उसी दिन आ जाएगा। नहीं, आपको एक दिन का टाइम जरूर देना चाहिए, 24 आवर्स का टाइम उसे देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे वो अपने न्यूट्रिशंस को उसमें अपने हेयर में आपके स्किन पे उसका इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करेगा। जैसे आप फेशियल भी करते होंगे तो फेशियल एक दिन में तो ग्लो नहीं देता ना। हाँ ठीक है, आपकी फेस आपका क्लीन रहता है, बट उसका ग्लो आते आते आपको 1 से 2 दिन लग जाते हैं। इसी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप लगाते हैं, चाहे फेस पे लगाइए चाहे हेयर पे लगाइए, तो आप उसको 24 आवर्स का टाइम दीजिए, उसके बाद जाके आप उस पर शैम्पू करिए, कंडीशनर करिए। ओके,